हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में। माय नेम इज जमीर, पावर्ड बाय एसटीएस थिंकर इंडिया। दोस्तों, आज हमारा एक टॉपिक के लिए एक टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो है, ठीक है। फ्लैशिंग क्यों बोला जाता है, फ्लैशिंग किस वजह से अपने को करना चाहिए और फ्लैशिंग का मतलब क्या है और फ्लैशिंग कैसे प्रॉपर सही तरीके से किया जाता है, आपको इसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी ऐसे टेक्निकल वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वो वीडियो आप देखें और उस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा बातचीत करने का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आज का फ्लैशिंग, किस वजह से फ्लैशिंग करना चाहिए और क्यों फ्लैशिंग करना चाहिए, फ्लैशिंग का मतलब क्या है, वो आज कंप्लीट इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखो, इधर मेरे पास तीन ईसीएम रखे हैं, ठीक है। मेरे पास इधर तीन ईसीएम रखे हैं, ये है एक्सीबी 500 का, ठीक है, ये है बोलेरो पिकअप का, ये है ज़ाइलो का, ठीक है। ये तीन मेरे पास ईसीएम अलग अलग, सेम ईसीएम तो सेम है, 1755 है, मगर तीनों ईसीएम अलग अलग गाड़ी के हैं, ठीक है। अभी मेरे पास एक्सीवी 500 का ईसीएम ये है, अभी मान के चलो ये ईसीएम खराब हो चुका है, ठीक है, ये ईसीएम खराब हो चुका है, अपने कहीं से ईसीएम मंगवाए, ऐसा वाला ईसीएम अपने कहीं से मंगाए, ठीक है, अपने कहीं से 1755 ईसीएम मंगाए, ये ईसीएम है बोलेरो का, ठीक है, बोलेरो का ईसीएम है। आपको बोलेरो का ईसीएम एक्सीवी 500 के अंदर लगाना है तब आप ईसीएम की फ्लैशिंग कर सकते हैं। जो एक्सीवी 500 रहती है उसके विन नंबर और मॉडल के हिसाब से इसके अंदर डायरेक्ट डेटा आप ओया ओबीडी से इसके अंदर चला सकते हैं सर्वर के थ्रू, ठीक है। ये हो गया, कोई भी दूसरी गाड़ी का आप ईसीएम इसके अंदर डालते हैं, कोई भी आप के हिसाब से कोई भी दूसरा ईसीएम आप मार्केट से लेके आ रहे हैं या उस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है डेटा के कारण, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग जो भी आप गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं या बोलेरो में डाल रहे हैं या एक्सी 500 में डाल रहे हैं या ज़ेलो में डाल रहे हैं, आपको पता नहीं है कौन सी गाड़ी का आपके पास ईसीएम आपको मिला है, ठीक है, तो आप वो हिसाब से आप डेटा इसके अंदर फ्लैशिंग कर सकते हैं, एक हो गया। और दूसरा, आप कभी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास ईसीएम तो है, ये तो आपके पास ईसीएम है, बोलेरो का ही है ईसीएम, की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बार बार आपने इमोप्लेजर बदली कर दिया, ठीक है, इमोप्लेजर बदली कर दिया और आपने ट्रांसपोंडर बदली कर दिया, वायरिंग ओके, सारा कुछ ओके, डेटा में दिक्कत है, तो आप इसके अंदर ईसीएम के अंदर आप फ्लैशिंग करके भी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसके अंदर डेटा का कोई दिक्कत है तो, ठीक है, ये हो गया। और तीसरी बात, गाड़ी के अंदर कोई एरर आ रही है, ठीक है, कोई भी आपकी एरर आ रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आपको लगता है ईसीएम के अंदर हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर का इशू है, तो भी आप ईसीएम की फ्लैशिंग करके वो फॉल्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, फॉल्ट रिजॉल्व करके आप काम कर सकते हैं। फ्लैशिंग का मतलब यही है, सही तरीके से अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर, अकॉर्डिंग टू ब्रांड के हिसाब से, आपकी गाड़ी के हिसाब से उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, यही इसका मतलब है फ्लैशिंग, ठीक है। आज हम अपने पास 1761 का ईसीएम है, 1761 का ईसीएम है, इसको सही तरीके से फ्लैशिंग कैसे करना है वो आपको कंप्लीट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये हमारे पास है 1761, ठीक है, 1761 ये ईसीएम है अपने पास। अब हम ये ईसीयू, ये दो सिलेंडर का ईसीएम है, ठीक है, सुप्रो का ईसीएम है, अब हम इसको जीतो का ईसीएम बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं इसके अंदर दो लाइट चल रहे हैं, ठीक है, ये दो सिलेंडर का ईसीएम है, अभी मैं सिर्फ डेटा डाल के एक सिलेंडर का डेटा बनाऊंगा। अभी देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और गाड़ी इसके अंदर ईसीएम में कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई फॉल्ट है। अभी मैं ईसीएम को फ्लैशिंग करके आपको बताऊंगा क्या सही तरीके से आपको फ्लैशिंग करना चाहिए और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए फ्लैशिंग करने के टाइम। नंबर वन,
आपकी सही तरीके से बैटरी होनी चाहिए, प्रॉपर चार्ज होनी चाहिए, और आपके पास दूसरी एक्स्ट्रा बैटरी है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी लगा के आप काम कर सकते हैं। बाई मिस्टेक आपकी बैटरी डाउन होती है तो आपका ECM डेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप ECM फ्लैशिंग करेंगे, जब आप गाड़ी के अंदर OBD कनेक्टर लगाएंगे, ये लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सही तरीके से फिटिंग होनी चाहिए। नंबर थ्री, आपका जो फ्लैशिंग के साथ जो ऐसी केबल आपको मिलती है, ठीक है, जो आपकी फ्लैशिंग की जो केबल मिलती है उसके थ्रू आप ये लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद जो इसके साथ केबल आती है वो आपके मास्टर के साथ आपको लगा देना है, आप मास्टर से कर रहे हैं तो मास्टर के साथ आपको लगा देना है। नंबर थ्री, आपको जो आपका ब्लूटूथ से जो आपका VCI कनेक्टेड है, ब्लूटूथ को आपको बंद कर देना है, ठीक है। इतने चीजों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप प्रॉपर सही तरीके से आप ECM की फ्लैशिंग कर पाएंगे। आप कोई भी इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो आपका ECM खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं फ्लैशिंग करूंगा। अभी मेरे को ये जीतो का ECM बनाना है, अभी मैं बनाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे डायग्नोस, ये गाड़ी है एशिया में चले जाएंगे, महिंद्रा इंडियन में चले जाएंगे। महिंद्रा इंडियन में जाने के बाद हम इसको करेंगे ओके। महिंद्रा इंडियन में जाने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है फ्लैशिंग में आपको जाना है। ये इसका इंस्ट्रक्शन है, वही बैटरी चार्ज होना चाहिए, जो भी आप फ्लैशिंग करो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रह सकती है, ये सारा कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा है। आप चाहते हैं, आपके पास टाइम है तो आप ये पढ़ सकते हैं। अभी हम करेंगे ओके। देख सकते हैं इसकी बैटरी गुड कंडीशन की होनी चाहिए, सब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप सही तरीके से पढ़ लीजिए ओके। अभी ये चार इसके अंदर फंक्शन आए हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक मैच, मैनुअल सेलेक्ट सिस्टम। अभी ऑटोमेटिक में करूंगा तो भी होएगा, ठीक है। इसका विन नंबर ये ऑटोमेटिक उठा लेता है तो ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अभी मेरे को जाना है मैनुअल में जाऊंगा। इसके अंदर लिख के आ रहा है, जो भी आप फ्लैशिंग करो आपकी खुद की रिस्क है, ठीक है ओके। अभी ये ऑटोमेटिक हमारा जो विन नंबर है ऑटोमेटिक उठा लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे एस, जैसे मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा ओके। और इसके अंदर इधर फ्लैशिंग करने के टाइम इधर विन नंबर आया नहीं है, वो हम लास्ट में डाल लेंगे, कहाँ पे जाके डालना है वो मैं आपको बताऊंगा। एस, ये जो विन नंबर है वो इसके अंदर बता रहा है ओके। अभी हमको फ्लैशिंग करना EMS में जाएंगे। अभी हम कौन सा ECM, ये पूछ रहा आपको कौन सा गाड़ी का ECM को फ्लैश करना है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर बुलोरो का जो वेरिएंट रहता है, पावर प्लस है, सारा कुछ इसके अंदर जितने भी फ्लैशिंग पॉसिबल है सारा कुछ इसके अंदर बता रहा है। अभी मेरे को जाना है Jito EMS, ठीक है। इधर दिख रहा है आपको Jito EMS, और Jito EMS गॉस लेन बोल के भी है। अभी मेरे को सिंपल Jito में जाना है, ठीक है, Jito में चला गया। इसके अंदर दो आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे, एक टैक्सी एक नॉन टैक्सी। अभी मैं ये नॉन टैक्सी में कर लेता हूँ, नॉन टैक्सी। देखिए ये लिख के आ रहा है Jito EMS फ्लैशिंग यूजर कंट्रोल 1, ठीक है। अब हम करेंगे ओके। अभी अपने को करना है, देखो इसके अंदर बहुत सारे आपको फाइल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जितने पॉसिबल हैं वो सारे आपको फाइल देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, Jito EMS फ्लैश इसकी हैक्स फाइल रहती है, अभी मैं P601 EMS, ये जो हैक्स फाइल रहती है इसकी प्रॉपर हैक्स फाइल रहती है, इसमें मैं आपको फ्लैशिंग करूंगा। और ये पूछ रहा आपका इंटरनेट सही तरीके से ऑन रहना चाहिए, कोई इंटरनेट आपका, देखो मान के चलो आप फ्लैशिंग कर रहे हैं, आप मोबाइल से आप इंटरनेट कनेक्ट किए हैं तो हो सकता है आप जिसका भी फोन आएगा उस टाइम पे आपका इंटरनेट बंद होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो आप कोशिश ये करें जब भी आप इंटरनेट फोन से कनेक्ट किए हैं उस टाइम पे फोन ना उठाएं, तब आपका ECM खराब हो सकता है। इंटरनेट आपका प्रॉपर होना चाहिए और उसके बाद सर्वर से हम फाइल डाउनलोड करेंगे, जो हमने हैक सेलेक्ट किया है वो फाइल हम सर्वर से डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे। जैसा आपकी इंटरनेट की स्पीड है वो इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये आपको डाउनलोड हो जाएगी। हमारा इंटरनेट बहुत स्पीड है इसलिए बहुत स्पीड में ये डाउनलोडिंग हो चुकी है। इधर दिख रहा है डाउनलोड सक्सेसफुल,
ठीक है, सक्सेसफुल का मतलब ये है जो आपने सर्वर से फाइल जो डाउनलोड की है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। ओके वेट, अभी ये पूछ रहा है जो आपने सर्वर से फाइल डाउनलोड किए यही फाइल आप चढ़ाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, यस प्लीज वेट, गेट की वेट, थोड़ा वेट कीजिए। और आपका ये जो दिख रहा है देख सकते हैं अभी इसके अंदर ट्र बोल के जो साउंड आ रही थी, इधर भी देखो ये फ्लैशिंग होनी शुरू हो गई है, जो आपकी ट्र बोल के जो साउंड आ रहा था, जो इधर लाइट आ रहा था, चॉकलेट आ रहा था, ये सारा कुछ बंद हो चुका है। ठीक है, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्लैशिंग के टाइम आपका चॉकलेट जा सकता है, सब कुछ आपका ब्लैंक हो जाएगा, आपको समझ में ये आ जाएगा कहीं तो मेरी बैटरी डाउन नहीं हो गई है क्या। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका फ्लैशिंग शुरू हो चुकी है। जब ये आपका ऐसा दिखने को मिलेगा मीटर के अंदर, क्लस्टर के अंदर आपका चॉकलेट ब्लिंक कर रहा है या बंद हो गया, तब आप समझ जाओ मेरा फ्लैशिंग सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपकी फ्लैशिंग हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको बिना कोई स्किप के, आपको बिना कोई वीडियो कट के, आपको पूरा स्टेप, थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, कोई भी वीडियो में बंद नहीं करूंगा, पूरा आपको स्टार्टिंग से आखिर तक आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं जो मेरी जो हमने फाइल डाउनलोड किए थे वो हमारी ईसीएम के अंदर प्रॉपर जा रही है। ठीक है, अभी जितना मेरा वोल्टेज है 13 पॉइंट उसके ऊपर है। ठीक है, यानी बैटरी का आपको वोल्टेज का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। और आपका जब भी आप इंटरनेट के साथ फ्लैशिंग कर रहे हो, क्योंकि कंपलसरी आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए जब फ्लैशिंग कर रहे हो, अच्छी स्पीड का ध्यान रखो। और आप ईसीएम फ्लैशिंग करने टाइम आप फोन से इंटरनेट कनेक्ट किए हो तो आप फोन ना उठाओ, फोन उठाएंगे तो इंटरनेट कट हो सकता है, आपकी फ्लैशिंग रुक सकती है, आपकी फ्लैशिंग रुक गई तो आपका ईसीएम हो जाएगा खराब। ठीक है, वो भी उसका भी तरीका है, उसको कैसे रिकवर करना है वो भी हम आपको बताएंगे। भी देख सकते हैं इसके अंदर ट्रांसफर फाइल जा रही है बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्पीड में जा रही है। और ये जो हमारा टूल है थिंग टूल, ठीक है, इन्होंने हमारे एसटीएस वालों ने बहुत इसके ऊपर मेहनत की है, बहुत यानी डेवलप इन्होंने दिन रात एक कर दिया है, फ्लैशिंग हो गया, जितने भी इसके अंदर डेवलप सॉफ्टवेयर किए हैं बहुत मेहनत की है, थैंक्स इनके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत उसके ऊपर मेहनत की है। कोई भी एक चीज ब्रांड लेके आते हैं तो उसमें मेहनत करनी रहती है, तो इन्होंने बहुत इसके ऊपर मेहनत की है, बहुत अच्छा खासा काम हो जाता है आज के टाइम में, बहुत अच्छा काम निकालता है। देखो हम ईसीएम की फ्लैशिंग कर रहे हैं, सही तरीके से फ्लैशिंग कर रहे हैं तो हमारा ईसीएम फ्लैश सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, और किसी भी भाई को फ्लैशिंग में दिक्कत आ रही है तो स्कैनर की दिक्कत नहीं है, वो सही तरीके से गाइडलाइंस नहीं होने के कारण वो ईसीएम खराब होता है, उसके बाद बोलते हैं भाई मास्टर से फ्लैशिंग हो नहीं रही है, तो उसका मतलब ये है सही तरीका उनको पता नहीं है। ठीक है, इधर से उधर से स्कैनर ले लेते हैं, तो जहां से भी आप स्कैनर ले रहे हैं उसको आप ये पूछो जितना आप बता रहे हैं उतना पूरा काम होएगा क्या। ठीक है, मैं जानता हूं बिना सपोर्ट का कोई टूल ना ले, या हमारे से लो या कहीं से भी लो, बिना सपोर्ट का टूल आप ले ही मत। ठीक है, भले ही आप 10 लाख का भी टूल लो, बिना सपोर्ट का वो कोई काम का टूल है ही नहीं। सबसे पहली बात, बिना सपोर्ट का आप टूल वो कुछ काम का है ही नहीं, बिना सपोर्ट का आप टूल ना ले। देख सकते हैं क्या स्पीड है भाई, बिना वीडियो में स्टॉप ही नहीं किया हूं। ठीक है, गिन चुन के 2 मिनट या 3 मिनट भी नहीं हुए, इतना स्पीड मेरी फ्लैशिंग हो रही है। वीडियो कुछ स्टॉप नहीं किया हूं, देख सकते हैं क्या स्पीड है, जैसे आपका इंटरनेट रहेगा वैसा आपका काम करेगा। देख सकते हैं मेरी फ्लैशिंग हो चुकी है, सक्सेस होने में सिर्फ 2% है, ये जो दिख रहा है ना ये सक्सेस है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारी जो फ्लैशिंग है, फ्लैशिंग हो चुकी है। देखो इसके अंदर क्या लिख के आ रहा, एरर इन राइटिंग विन प्लीज ट्राई अगेन, आपकी फ्लैशिंग हो चुकी है, इसके अंदर ये बता रहा है जो आपका विन नंबर है, विन नंबर आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, विन नंबर राइट करते हैं तो भी चलेगा, नहीं करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर इतना कोई मायने नहीं रखता है, तो आप
ये फ्लैशिंग हो चुकी है, सिर्फ आपका विन नंबर राइट नहीं हुआ है, आप विन नंबर राइट बाद में आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, टर्न इग्निशन हाफ 30 सेकेंड, टर्न इग्निशन हाफ हम करेंगे, टर्न इग्निशन हाफ 30 सेकेंड हम इग्निशन को हाफ करेंगे। ये जो पीवीसी का जो है वॉलेट बंद होने तक हम इसको हाफ करेंगे। इसके अंदर पहले 2 लाइट आ रहे थे इंजेक्टर के, अभी हमने सिंगल सिलेंडर का डेटा डाला है तो हम देखेंगे सिंगल सिलेंडर का लाइट आ रहा है क्या। देखो पूरा बंद हो चुका है, अभी मैं दोबारा इग्निशन को ऑन करूंगा। देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा सिंगल सिलेंडर ही लाइट आ रहा है, दूसरा सिलेंडर का लाइट नहीं आ रहा है, यानी मेरा प्रॉपर डेटा जा चुका है। अभी मैं करूंगा क्रैंकिंग, देख सकते हैं क्रैंकिंग हो रही है, आपको आवाज आ रही होगी, थोड़ा लाइट बंद करता हूं मैं। देख सकते हैं मेरी गाड़ी क्रैंकिंग हो रही है और गाड़ी स्टार्ट भी है। ठीक है तो और एक बार मैं क्रैंकिंग करता हूँ, 1 लाइट आ रहा है और क्रैंकिंग करूंगा, देख सकते हैं यानी मेरे प्रॉपर सही तरीके से फ्लैशिंग हो चुकी है। दोस्तों आपने सही तरीके से फ्लैशिंग कैसी करनी है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, देखो स्कैनर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है मेरे थ्रू भी मिल जाएगा और आपको कहीं से भी, आपको इंडिया के अंदर सब जगह से आपको मिल जाएगा। ठीक है आप डायरेक्ट चाइना से भी मंगा सकते हैं, आपके हिसाब से आप कहां से भी मंगा सकते हैं या हमारे से ले सकते हैं, इंडिया के अंदर कहां से भी ले सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कहना यही चाहता हूं सही चीज जो रहती है सब चीज सही है, कोई गलत चीज नहीं है, ये भी सही चीज है, सब कुछ सही चीज है। जब तक आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिलेंगे तब तक आपको कोई काम का टूल नहीं है, कोई भी ब्रांड का टूल ले लो, एक्स वाई जेड कोई भी ब्रांड का टूल ले लो, जब तक आप इसके बारे में जानते नहीं है ये क्या काम कर सकता है क्या काम करेगा, जब तक आप जानते नहीं है और गाड़ी में स्कैन सही तरीके से कैसे करनी है जब तक आप जानते नहीं है ये कोई काम का टूल है ही नहीं। ठीक है कोई भी टूल ले लो कोई काम का है ही नहीं, उसको सही तरीके से आपको मालूम करना है तो आप उसके बारे में अच्छा सा देखो समझो और किससे आपको लेना चाहिए। ठीक है बहुत सारे मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं थिंकार का अपने ब्रांड का टूल सेल कर रहे हैं। ठीक है तो सही चीज आप सही बंदे से लेंगे तभी वो काम की चीज है, अन्यथा वो वेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता था सही बंदे से ले, मैं ये नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में मेरे से लो, सही बंदे से लें और सही चीज लें और सही चीज उसको मालूम होनी चाहिए ये टूल के अंदर क्या कर सकता है और करेगा तो कैसे करेगा, इसका सही तरीका मालूम होना चाहिए। जो भी बंदे से आप ले रहे हो उस बंदे को कोई नॉलेज है ही नहीं तो लेके कोई मतलब नहीं है टूल। ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आई होगी और किसी भी भाई को थिंकार का कोई भी टूल चाहिए तो अपने से रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, हमारे से आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।